Hello students, today we are going to start with chapter 1 of class 8 science, crop production and management. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Paheli aur Bujo apne uncle ke ghar gaye summer vacation ke dauran. Their uncle is a farmer, unke uncle ek kisan hai. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow etc. in the field. जब वो वहाँ पर गए तो उन्हें बहुत सारे टूल्स देखने को मिले, जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो इन द फील्ड, जो उनके मैदान था उसमें. फिर बूजो ने कहा, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स. उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इनका कहाँ यूज़ करते हैं. अब यह आपसे कहा जा रहा है, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. आपने पढ़ा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत है. Plants can make their food themselves. Plants तो अपना खाना खुद बना सकते हैं. Can you recall how green plants synthesize their own food? क्या आपको याद आ रहा है कि green plants अपना food कैसे बनाते हैं? Yes, by the process of photosynthesis. Animals including humans cannot make their own food. हम humans भी और बाकी सारे animals अपना खाना खुद नहीं बना सकते. So where do animals get their food from? तो हम animals को और humans को खाना कहाँ से मिलता है? But first of all, why do we have to eat food? लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें खाना क्यों खाना है. You already know that energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plants or animals or both. खाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने सारे body के functions कर सकें, जैसे कि digestion, खाने को पचाना, सांस लेना, एक्सक्रीट करना, ये सब. और ये हमें जो खाना है वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, सोर्सेस दोनों हो सकते हैं. फिर बूजो ने कहा, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आर कंट्री. बूजो ने कहा कि हमारी कंट्री में तो इतने सारे लोग हैं, तो इतने सारे लोगों को हम फूड कैसे प्रोवाइड कर पाते होंगे. तो इसका आंसर पहेली ने दिया. उसने कहा कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, कि फूड को हमें बहुत बड़े स्केल पर यानी कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उगाना पड़ता है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, अब क्योंकि फूड इतनी बड़ी पॉपुलेशन इतने सारे लोगों को देना है, तो रेगुलर प्रोडक्शन, रोज़ रोज़ खाना प्रोड्यूस किया जाता है और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है कि हर किसी तक खाना पहुँच सके. फिर हम स्टार्ट करेंगे 1.1 से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. येलो बॉक्स से पढ़ेंगे. टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक. 10,000 BC तक, बिफोर क्राइस्ट तक लोग नोमैडिक थे. नोमैडिक का मतलब होता है जो घूम घूम कर खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में अपना काम चलाते हैं. देवर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. वही बात कि वो ग्रुप्स में इधर उधर घूमते थे ताकि उन्हें कहीं से खाना मिल जाए या फिर अपने सर के ऊपर छत मिल जाए. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड. वो कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे और बहुत सारे जानवरों का शिकार भी करते थे ताकि उन्हें खाना मिल सके. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स. दस वॉज वन एग्रीकल्चर. उसके बाद उन्होंने सीखा कि कैसे राइस को प्रोड्यूस किया जाता है, वीट को प्रोड्यूस किया जाता है और बाकी सारी क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है, और इसी से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब सेम तरह के प्लांट्स को एक पर्टिकुलर प्लेस पर बहुत बड़ी अमाउंट में ग्रो करवाया जाता है तो उसे क्रॉप कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वीट के क्रॉप का मतलब है यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ वीट के ही प्लांट्स आपको दिखेंगे. जैसे मैं बना के बताती हूँ. इस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि बॉक्स बनाया है, यहाँ पे जितनी भी प्लांट्स हैं ये वीट के हैं. इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर बॉक्स जो है यहाँ पे वीट की क्रॉप को शो कर रहा है. यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. आपको पहले से ही पता है कि क्रॉप्स अलग अलग तरह के होते हैं. क्रॉप्स एंड की खेत अलग अलग तरह के होते हैं, अनाज के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के. दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. हम इन्हें कैसे क्लासिफाई करते हैं कि इसे किस सीजन में उगाया जाता है. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. यहाँ पे अलग अलग जगह पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट टेम्परेचर अलग अलग है,
ह्यूमिडिटी अलग अलग है, कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है, ये सब बहुत वैरी करता है. अकॉर्डिंगली देर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. डिस्पाइट देयर डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. यहाँ पे हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स सीजन के हिसाब से उगाई जाती है. इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमें दो क्रॉपिंग पैटर्न्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसका डिफरेंस बिटवीन भी आता है, वो देखना है. सबसे पहले आती हैं खारिफ क्रॉप्स. खारिफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो मेनली रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, और इंडिया में रेनी सीजन जनरली जून से लेकर सितंबर तक रहता है. इसमें आता है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा. राबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स. इन्हें विंटर में उगाया जाता है, और इंडिया में विंटर्स जो हैं वो जनरली अक्टूबर से स्टार्ट होकर मार्च तक ख़त्म हो जाती हैं. एग्जाम्पल जो हैं वो हैं वीट, ग्राम यानी चना, मटर, मस्टर्ड एंड लिंसिड यानी कि अलसी. बिसाइड्स दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस. अब आप पूछेंगे कि समर में क्या उगाया जाता है, तो बहुत सारी पल्सेज और वेजिटेबल्स हैं जो बहुत सारे हमारी कंट्री के रीजन्स में समर्स में उगाई जाती हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बूजो ने पूछा व्हाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन. हम पैडी को जो कि एक खारिफ क्रॉप है उसको विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जा सकता, तो पहेली ने कहा कि जो पैडी है उसके लिए बहुत सारे वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए सिर्फ इसको रेनी सीजन में ही उगाया जा सकता है. अब यहाँ पे पैडी का मतलब होता है धान. धान को खड़े पानी की ज़रूरत होती है और उसको खड़े पानी में ही उगाया जा सकता है. अब जब रेनफॉल होते हैं तो बहुत सारा पानी जो है इकट्ठा हो जाता है, तभी पैडी को यानी कि धान को ग्रो करवाया जा सकता है. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक फार्मर को बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर करनी पड़ती हैं ताकि वो क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सके, उगा सके. यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डन और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस. आपका आपके जो गार्डनर आप देखते हो, या फिर आप अपने घर में भी कोई प्लांट्स की अगर गार्डन क्रिएट करते हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप बहुत सारे प्रैक्टिसेस जैसे कि मिट्टी को खोदना, फिर उसमें सीड्स को लगाना, ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, और इन्हीं को जब आप लार्ज स्केल पर करोगे तो इन्हीं को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहेंगे. दीज एक्टिविटीज और टास्क. अब इन्हीं एक्टिविटीज और टास्क को कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो. अब ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफ में समझ लेते हैं कि टोटल 7 एक्टिविटीज़ जो हैं जो हमारे चैप्टर में दे रखी है. सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरीगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सिक्स हार्वेस्टिंग, सेवन स्टोरेज. अब यहाँ पे जो वीड्स है उसका मतलब होता है जंगली प्लांट्स जो कि अनवांटेड होते हैं, जो अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं हमारे डिजायर्ड क्रॉप प्लांट के साथ. नेक्स्ट 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. कोई भी खेती करने से पहले सबसे पहला काम होता है जो भी मिट्टी है उसको प्रिपेयर करना. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. एक्चुअली में जो मिट्टी होती है वो काफ़ी टाइट होती है, उसमें आप क्रॉपिंग नहीं कर सकते, उसको लूजनिंग करने की ज़रूरत होती है. मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस क्रिएट करनी पड़ती हैं. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉइल, ताकि आपको जो प्लांट है वो सॉइल में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाए, धस जाए. द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीद इन ईजिली इवन वेन दे गो डीप इन टू द सॉइल. अगर जो डीप सॉइल में अगर आपकी रूट्स चली भी जाती हैं तो उनको ब्रीदिंग के लिए जगह मिले, वो सांस ले पाए रूट्स अपने आप. Why does the losing of soil allow the roots of breathe to easily? तो आप सोच रहे होंगे कि ब्रीदिंग के लिए लूजिंग की क्या ज़रूरत है. एक्चुअली में जो लूजेंट सॉइल होती है ना उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म है, केचुए हैं, ये सब सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. यही तो ऑर्गेनिज्म हैं जो फार्मर्स के फ्रेंड्स हैं. ये फार्मर्स के लिए क्या करते हैं, सॉइल की लूजिंग कर देते हैं और उसमें ह्यूमस का एडिशन करवा देते हैं. ह्यूमस एक्चुअली में एक ब्लैक वाइट ब्लैक और वेट गीला एक ऐसा मिट्टी की लेयर होती है जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे. यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल मेंटेन्स मिनरल्स, वाटर,
एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आपने पहली क्लासेस में पढ़ा है कि सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि वाटर और एयर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. इसके साथ साथ जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स मर गए हैं वो जब डीकम्पोज हो जाते हैं, डीकम्पोज यानी कि जब उनके डेड रिमेन्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, वो ही सॉइल के न्यूट्रिशन को इनक्रीज कर देते हैं और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को वापस ले आते हैं और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को बार बार प्लांट्स अब्जॉर्ब करते रहते हैं. सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स द प्लांट ग्रोथ. क्योंकि प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आपने देखा होगा जहाँ प्लांट ग्रो करता है वहाँ पे सिर्फ सॉइल का कुछ ही सेंटीमीटर का हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है. तो क्या होता है, हम टॉप में सॉइल की न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप. तो सॉइल को बदलना, उसको कन्वर्ट करना, उसकी लूजिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रॉप्स की कल्टिवेशन करने के लिए. और ये बहुत आता है कि टिलिंग और प्लोइंग का मतलब क्या होता है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे. द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, सॉइल की लूजिंग करना, उसमें स्पेसेस क्रिएट करना और सॉइल की टर्निंग करने को टिलिंग या फिर प्लाउिंग कहते हैं. दिस इज डन बाई यूजिंग अ प्लॉ. आप इसको हिंदी में जुताई भी कह सकते हैं. और इसका जो टूल यूज़ किया जाता है वो होता है प्लॉ. प्लॉज आर मेड ऑफ वुड और आयरन और ये या तो लकड़ी के बने होते हैं या लोहे के बने होते हैं. अगर सॉइल बहुत ड्राई है तो प्लॉइंग करने से पहले आपको इसमें कुछ वाटर भी ऐड करना पड़ सकता है. द प्लॉ फील्ड हैव बिग पीसीज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. जब आप उसमें पानी डाल दोगे तो हो सकता है सॉइल के बड़े बड़े क्रम्स बन जाएँ, गुच्छे बन जाएँ. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स. बहुत ज़रूरी है इन क्रम्स को ब्रेक करना एक प्लैंक के थ्रू. प्लैंक जो होता है वो एक वुडन बोर्ड होता है, एक पटरा होता है जिसके थ्रू वो हम सॉइल को बराबर बराबर इक्वल छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, सॉइल की लेवलिंग करते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद अ प्लैंक. द फील्ड इज लेवल फॉर सोइंग एज फॉर द इरीगेशन पर्पज. इरीगेशन पर्पज यानी कि सिंचाई के लिए भी, पानी डालने के लिए भी, वीट्स को सो सॉरी सीड्स को सो करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. कभी कभी टिलिंग से पहले यानी कि लूजिंग से पहले हम मैन्योर मतलब होता है खाद, उसको भी ऐड कर देते हैं जो कि सॉइल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए. और द सॉइल इज वाटर बिफोर सोइंग. हम हमेशा से सॉइल में पानी डालते हैं बीज बोने से पहले. अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की. बिफोर इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर ईल्ड. अगर हमें अच्छी ईल्ड चाहिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहिए, हमें एंड प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, तो हमें सॉइल को छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. अब इसके लिए भी बहुत सारे औजार होते हैं फार्मर के पास जिसके थ्रू वो ये सब करता है. द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लॉ, हो एंड कल्टिवेटर. अभी इन सब के मतलब हम समझेंगे. जो हो है उसको फावड़ा बोलते हैं, प्लो जुताई के लिए यूज़ किया जाता है और होता है कल्टीवेटर. अभी आपको इस पूरी पिक्चर को ध्यान में रखते हुए अगला वाला पैराग्राफ समझना है. यहाँ पे एक फार्मर प्लॉइंग कर रहा है यूजिंग अ बीम जो उसने नेक पर लगाया है बुल के. और अभी हम इस सब के फंक्शंस अगले पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं, बस आपको इस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए समझना है. प्लो दिस इज़ बींग यूज सिंस एशियन टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल. बहुत पुराने समय से सॉइल की टिलिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है. क्रॉप में फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. जितने भी वीड्स होते हैं जंगली पौधों को हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, सॉइल की स्क्रैपिंग के लिए यानी कि कटाई के लिए यूज़ किया जाता है. दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड. अब ये जो हमारा औजार है एक्चुअली में वुड का बना होता है. और इसको कौन चलाता है, एक बुल का पेयर, दो बैल चलाते हैं या फिर कोई भी अदर एनिमल जैसे कि हॉर्स हो गया, कैमल्स हो गया, जनरली बुल्स का यूज़ किया जाता है. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशर. इसमें एक छोटी सी ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप होती है जिसको प्लोशर कहते हैं. द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड. जो मेन पार्ट होता है ना उसमें एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा होता है, लंबा टुकड़ा, जिसको प्लो शाफ्ट कहते हैं. और उसके शाफ्ट के एक साइड पर हैंडल लगा होता है और अदर एंड जो है वो बीम से अटैच होता है जो बुल के नेक पर रखे जाते हैं. हम एक पेयर ऑफ बुल लेते हैं और मैन जो होता है यानी कि जो भी फार्मर है वो ईजिली उसको ऑपरेट कर सकता है. फिगर में हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको बीम शो किया गया है. बीम के साथ साथ यहाँ पे प्लो शाफ्ट दिखाया गया है, एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप प्लोशेयर दिखाई गई है
और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक फ्लो का कंसिस्टेंसी को दिखा रहा है. द इंडिजिनस वुडन फ्लो इज इंक्रीजिंगली बीन रिप्लेस बाय द आयरन फ्लोस नाउडेज. अब हम वुडन के फ्लोस का, लकड़ी के फ्लोस का यूज़ करते जा रहे हैं और आयरन के लोग आयरन के तो कभी कभी यूज़ करते हैं. हो मतलब होता है फावड़ा. ये एक सिंपल टूल है जिसका यूज़ किया जाता है जंगली पौधों को हटाने के लिए या फिर सॉइल की लूजिंग के लिए. ये एक वुड की लंबी सी रॉड होती है या फिर आयरन की रॉड होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग या बेंट प्लेट आयरन की फिक्स की जाती है इसके दोनों एंड्स पर, जो कि एक ब्लेड की तरह काम करती है. इसे भी एनिमल्स पुल करते हैं. इसकी फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिप है, हैंडल है, एक बेंट प्लेट है साइड में, बीम है और रॉड है. ये एक हो का स्ट्रक्चर है. इसके स्ट्रक्चर जनरली एग्जाम्स में बनाने के लिए तो नहीं आते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए. कल्टीवेटर. नाउडेज प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर. आजकल जो जुताई की जाती है वो ट्रैक्टर के थ्रू की जाती है. द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर और टाइम. और कल्टीवेटर जो होता है वो इस ट्रैक्टर के पीछे ही लगा होता है जिससे कि लेबर यानी कि कम टाइम में ज़्यादा काम हो पाता है. यहाँ पे कल्टीवेटर को एक ट्रैक्टर के थ्रू चला के दिखाया जा रहा है इस पिक्चर में, जैसे कि आप देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोइंग यानी कि बीज बोना. सोइंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का. क्रॉप प्रोडक्शन तो तभी कंप्लीट होगा जब आप सोइंग करेंगे. सोइंग से पहले आपको ये देखना है कि आप अच्छी क्वालिटी के सीड्स सिलेक्ट कर सकें. अच्छी क्वालिटी के सीड्स, बहुत क्लीन और हेल्दी सीड्स, अच्छी वैरायटी के सीड्स यूज़ करना है फार्मर को ताकि उसको हाई यील्ड मिल सके. सिलेक्शन ऑफ सीड्स. फिर पहेली कहती है, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम. एक बार मैंने अपनी मदर को देखा कि वो एक बर्तन में उन्होंने कुछ चने के दाने डाले और जैसे ही उन्होंने चने के दाने डाले तो कुछ कुछ दाने पानी के ऊपर तैरने लगे. कुछ मिनट बाद, आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर. मैं सोच रही हूँ कि कुछ सीड्स पानी पर इतने ज़्यादा फ्लोट क्यों कर रहे थे. तो इसको हम समझेंगे एक्टिविटी 1.1 से. टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टर वेल, वेट फॉर सम टाइम. इसमें हमें एक्टिविटी में क्या करना है, हमें एक बीकर लेना है, उसके अंदर कुछ वीट के सीड्स ऐड करने हैं, मुट्ठी भर वीट के सीड्स, और उसके बाद उसे अच्छे से घोल देना है. जैसे कि ये मान लीजिए पानी है तो क्या होगा, कुछ सीड्स तो ऊपर तैरते हुए रह जाएंगे क्योंकि वो लाइटर हैं, जबकि कुछ सीड्स नीचे बैठ जाएंगे. अब हम एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं. आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर. क्या कुछ ऐसे भी सीड्स हैं जो पानी पे तैर रहे हैं. वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक. क्या वो हल्के हैं या भारी हैं उनसे जो कि डूब चुके हैं. वाई वुड दे बी लाइटर. वो हल्के क्यों हैं. तो ये हमसे ये पूछना जा रहा है कि जो कुछ सीड्स पानी में तैर रहे हैं एक्चुअली में वो सीड्स हल्के हैं. वो कैसे हल्के हैं, क्योंकि वो सीड्स डैमेज हो चुके हैं और वो खोखले हो गए हैं, इसीलिए वो पानी पे तैर पा रहे हैं क्योंकि वो हल्के हो चुके हैं. तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है आप गुड और बैड सीड्स को या जो सीड डैमेज हो गए हैं उनसे अलग करने का. बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स. सोइंग करने से पहले यानी कि बीजों को बोने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से औजारों का यूज़ सीड्स को बोने के लिए किया जाता है. कुछ ट्रेडिशनल टूल्स हैं. द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स शेप लाइक अ फनल. द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल पास डाउन थ्रू टू और थ्री पाइप्स हैविंग अ शार्प एंड. दीज एंड पीपर्स into the soil and place seeds there. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फार्मर हैं वो क्या कर रहे हैं. यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल टूल है यानी कि जिसे वे काफ़ी सालों से इस फार्मर से टूल को यूज़ करते आ रहे हैं, यहाँ पे एक फनल शेप है, इसके थ्रू ये फनल के अंदर सीड्स ऐड कर रहा है. नीचे पाइप्स लगी हुई हैं, पाइप्स के शार्प डेंड हैं जो कि मिट्टी के अंदर सीड्स को अच्छे से धंसा देता है, जिससे सीड जो है वो मिट्टी के अंदर वो मतलब अपने आप ही लग जाते हैं. सिलेक्शन ऑफ सीड्स ये हम पढ़ चुके हैं. अभी आगे हम करेंगे सीड ड्रिल से. नाउडेज द सीड ड्रिल. यहाँ पे आप सीड ड्रिल को देख सकते हैं. इसका यूज़ कैसे किया जाता है अभी हम पढ़ते हैं. इट इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. ट्रैक्टर्स में ही सीड ड्रिल अटैच होती है, उसका यूज़ हम करते हैं. दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेज एंड डेप्थ. इसका काम होता है कि प्रॉपर डिस्टेंस पर इक्वल दूरी पर सीड्स को लगा देना और प्रॉपर डेप्थ पर
प्रॉपर गहराई पर सीड्स को लगाना। इट इंश्योर्स दैट द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि जो हमारे सीड्स हैं वो सब सीड्स पर सॉइल की एक लेयर आ जाए, जिससे कि बर्ड्स वगैरह उसे डैमेज ना कर सकें। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, और ये भी टाइम को भी बचाता है और लेबर यानी कि जो लोगों की मेहनत है वो भी कम लगती है। फिर भूजो कहता है देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो बूजो कहता है कि मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। नर्सरी एक एक्चुअली कैसे ही प्लेस होती है जहाँ पर प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स को रखा जाता है और जब तक वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक मैच्योर नहीं हो जाते हैं वहाँ पर उनकी केयर की जाती है। तो पहेली उसका आंसर देती है कि कुछ प्लांट के सीड जैसे कि धान के, जैसे कि पैडी, आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी, ने पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स, अभी वो प्लांट नहीं बने हैं, अभी वो प्लांटलेट बनी हैं, उन प्लांटलेट्स को फिर से लोग मैनुअली खुद ट्रांसप्लांट कर देते हैं फील्ड में। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी लाइक दिस। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। एक्चुअली में क्या होता है, जब आप एक फील्ड में सीड्स को बो रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर सीड के बीच में एक इक्वल डिस्टेंस हो, ताकि वहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो जाए सीड्स की। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशियंट सनलाइट, ताकि हर एक सीड को, हर एक प्लांट को सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिल सके, उनके बीच में किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन ना हो फॉर सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग के चलते कई बार कुछ प्लांट्स को हटाना भी पड़ जाता है। 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हम सॉइल में इसलिए ऐड करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी, जो सॉइल है वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाए, वो और अच्छे प्लांट्स और अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स और अच्छी वैरायटी के प्लांट्स हमें दे सके, उसके लिए हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। मैन्योर ऐड करना एक नेचुरल है और फर्टिलाइजर जो है वो एक केमिकल है। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। मैंने देखा, मुझे बोलता है कि मैंने एक बहुत अच्छी हेल्दी क्रॉप एक फार्म में देखी। नेबरिंग फार्म में जो प्लांट्स हैं वो बहुत कमज़ोर थे, कुछ दूसरे प्लांट से इतने अच्छे से कैसे ग्रो कर जाते हैं। सॉइल जो होती है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को देती है। अब ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत असेंशियल है। कुछ एरियाज में फार्मर्स जो हैं वो एक ही बारी में क्रॉप आफ्टर क्रॉप ग्रो करते जाते हैं एक ही फील्ड में, जिसके कारण जो सॉइल का जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन पावर है, वो भी कम होती जाती है, न्यूट्रिएंट्स भी कम होते जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से सॉइल भी कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए ख़राब हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू एड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। सॉइल में दोबारा से न्यूट्रिशन की रिकवरी करवाने के लिए फार्मर्स को खाद डालनी पड़ती है। मैन्योर को खाद बोलते हैं हिंदी में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मैन्योर को ऐड करने के प्रोसेस को मैन्योरिंग कहा जाता है। इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर आपने खाद ठीक से नहीं डाली है, कम डाली है, सही तरीके से नहीं डाली है, तो प्लांट्स जो हैं वो वीक आएंगे, जिसकी वजह से कुछ प्लांट्स वीक हो जाते हैं। अब मैन्योर क्या है? मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है, जो कैसे बनता है, जब कोई भी प्लांट डेड हो जाता है, एनिमल के वेस्ट से बनता है, एनिमल के एक्सक्रीटा से बनता है। फार्मर्स जंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेज एंड अलाउ इट टू डीकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं, बड़े बड़े गड्ढों में ये सारे के सारे वेस्ट को डाल देते हैं और उसको डीकम्पोज करने के लिए छोड़ देते हैं। अब डीकम्पोज कौन करता है? बहुत सारे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया हैं जो उस पर एक्ट करके उसको डीकम्पोज कर देते हैं। द डीकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बताया। द डीकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर। आपने इसके बारे में वर्मी कम्पोस्टिंग, जब अर्थ वॉर्म्स के थ्रू की जाती है, कम्पोस्ट बनाई जाती है, क्लास सिक्स में भी पढ़ा है। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्टिविटी 1.2। हम इसको रीड करेंगे। एक मूंग या फिर ग्राम के सीड्स को हमें लेना है, उनको जर्मिनेट करना है, उगाना है। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स आउट ऑफ दिस। इनमें से हमें 3 इक्वल साइज की सीडलिंग्स ले लेनी है। अब हमें क्या करना है, 3 खाली ग्लास लेने हैं, या फिर 3 हम खाली बर्तन भी ले सकते हैं, उन पे ए, बी और सी मार्क कर देना है। ग्लास ए में आपको थोड़ी सी सॉइल डालनी है और साथ ही साथ काव डंग यानी कि गोबर ऐड करना है। ग्लास बी में आपको सेम अमाउंट ऑफ सॉइल लेनी है, लेकिन इसमें इस बार थोड़ा सा यूरिया मिक्स कर देना है। फिर सेम अमाउंट ऑफ सॉइल ग्लास सी में भी लेना है, लेकिन उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। जैसे फिगर इस ए में दिखाया हुआ है, ए पार्ट में प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जैसे दोनों गर्ल्स कर रही हैं।
Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them. अब हमें क्या करना है, equal amount of water हर glass में डाल देना है और उसमें plants को grow करने देना है. Keep them in a safe place and water them daily. उनको इस safe place पर रखना है और रोज़ पानी देना है. 7 से 10 दिन के बाद आप उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये देखिए जैसे कि इसमें दिखाया है ए बी और सी. डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस. क्या सब इक्वल ग्रोथ शो कर रहे हैं या कोई कम ज़्यादा भी कर रहा है. कौन से ग्लास में बेटर ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की. इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट. कौन से ग्लास में ग्रोथ सबसे फास्ट है. तो फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. फर्टिलाइजर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं. हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये एग्जाम में पूछा जाता है. फर्टिलाइजर जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि उनके एग्जाम्पल्स हैं यूरिया, अमोनियम फोस्फेट, सुपर फोस्फेट, पोटाश, एनपीके. एनपीके यानी कि उसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम. ये सब एलिमेंट्स हैं, हम हायर क्लासेस में इनके बारे में और पढ़ेंगे. द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मेज. वीट है, गेहूँ है, धान है, मक्का है, इन सब की अच्छी फील्ड, अच्छी क्रॉप फील्ड के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है. ये होते तो केमिकल्स हैं इसलिए इनके एक्सेसिव यूज़ से भी सॉइल कम फर्टाइल हो सकती है. हो सकता है कि कोई फार्मर इसको लालच के चक्कर में ज़्यादा यूज़ कर दे कि ज़्यादा अच्छी क्रॉप होगी और ज़्यादा डालता हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सॉइल जो है वो ख़राब भी हो सकती है. फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. फर्टिलाइजर्स के चलते जो भी जहाँ पे भी फर्टिलाइज़र वाली सॉइल है, अगर वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, वहाँ से अगर कोई नदी बह रही है तो वो फर्टिलाइज़र उस पानी में भी जा सकते हैं. पानी में जाके अगर आगे वो कहीं फिशेस को भी पहुँचता है तो फिशेस को भी हार्म होगा, और अगर हमारे लिए वो पानी अगर फिल्टर होके आता भी है तो हो सकता है हमें भी हार्म हो. द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. अगर आप मैन्योर का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो पानी रिटेन करने की कैपेसिटी है, पानी को रोक के रखने की कैपेसिटी है, वो सॉइल की बढ़ जाती है. सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते हैं. अनदर मेथड जो सॉइल को रिकवर करने का है न्यूट्रिएंट्स के साथ, वो है क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, यानी कि एक ही क्रॉप को एक फील्ड पर बार बार ना उगा कर आप डिफरेंट क्रॉप्स को या फिर थोड़े टाइम के लिए उस एरिया को छोड़कर कुछ टाइम बाद वहाँ पर अपनी क्रॉप उगा सकते हैं. अर्लियर जो नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स थे वो लेज्यूम्स को ग्रो करते थे एज फॉडर इन वन सीज़न एंड वीट इन द नेक्स्ट सीज़न. वो क्या करते थे, एक टाइम पर तो लेज्यूम्स ग्रो करते थे और दूसरे टाइम पर फॉडर की तरह, और दूसरे टाइम पर वो वीट ग्रो कर लेते थे. इसी को रेप्लेनिशमेंट कहते हैं क्रॉप रोटेशन के थ्रू. फार्मर जो होते हैं वो इनकरेज होते हैं इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए. प्रीवियस क्लासेस में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा जो लेज्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है, उनके रूट नोड्यूल्स में. जो भी लेज्यूमिनस प्लांट्स होते हैं मतलब कि चने वगैरह के प्लांट्स, उनकी रूट्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया मिलता है, जिसका जो मेन फंक्शन होता है चने के प्लांट में या कोई भी लेज्यूमिनस प्लांट में, वो ये होता है कि जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करना, जो आप हायर क्लासेस में और अच्छे से. Like this video, share and subscribe my channel for more updates. Thank you.